इसके बाद उसका बेटा जबीता खान, लेकिन देहरादून घाटी में उनकी मौत के बाद उनका असर खत्म हो गया और उनके ऊपर सिखों की तरफ से हमले होने शुरू हुए, तो वो अपना जो सहारनपुर वाला फीफडम है उनको बचाने में लग गए। और देहरादून में भी चूंकि वो बहुत पीसफुल टाइम था और 1,27,000 तक का रेवेन्यू उस वक्त तक देहरादून में हो गया था, उधर टीजी के राजा वीक थे, देहरादून वॉज मोर और लेस काम एंड क्वाइट। और गुरु राम राय दरबार में गुरु के जाने के बाद महंत अपॉइंट होने लगे और उन महंतों के माध्यम से ही इस देहरादून का पूरा कारोबार उनका चलने लगा। और इसी दौर में क्या होता है कि नवादा में जो टीरी गवर्नमेंट की सीट थी, नवादा वॉज द कैपिटल ऑफ देहरादून घाटी इन दोज टाइम, और वो जो सीट थी वो वीक हो गई और धीरे धीरे टीरी राजा का देहरादून ऑफिस वो भी गुरु राम राय दरबार के आसपास ही शिफ्ट हो गया। सो नवादा द डेड सिटी नाउ। नवादा, कभी किसी ने कोई नवादा गया है? आप गए हैं। तो नवादा जो है वो एक जमाने में बहुत प्रॉस्पेरस छोटी टाउनशिप होती थी, लेकिन अब वो खत्म है। वहां जाएंगे तो पुराने किले, पुराने महल के आपको खंडर मिल जाएंगे। सो टीरी के राजा की जो ऑफिसर्स थे वो गुरु राम राय दरबार के आसपास ही शिफ्ट हो गए। फिर आता है 1783। अब इसमें पंजाब की पॉलिटिक्स भी आती है। पंजाब मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद अपने आप को संगठित कर रहा था। अभी तक जो है सिख जो प्रिंसिपैलिटीज हैं, और तब तक गुरु गोविंद सिंह जी भी जा चुके थे, सिख धर्म जो है वो मोटा मोटी अपनी शेप ले रहा था और सिख जो हैं अपने एरियाज को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि कहाँ कहाँ तक वो पहुँच सकते हैं। एंड इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1783, इट वॉज इन फर्स्ट टाइम जस्सा सिंह आलूवालिया एंड बघेल सिंह, ये सिख कैप्टन से सिख मिसल्स के बड़े झंडाबरदार थे, इन्होंने दिल्ली के ऊपर अटैक कर दिया। शाह आलम दो थे वहां पर, और जब दिल्ली पर अटैक किया तो शाह आलम की इन्होंने फौज को हरा दिया और जस्सा सिंह आलूवालिया दिल्ली के तख्त पर बैठ गए। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले मुगलों के अलावा जस्सा सिंह आलूवालिया थे, लेकिन जस्सा सिंह आलूवालिया को कहा गया कि ये तख्त जो है आपके मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस तख्त ने कई मुस्लिम गुरुओं का खून बहाया है। सो जस्सा सिंह आलूवालिया ने ये बात सुनकर दिल्ली की तख्त छोड़ दिया। एंड व्हेन दे वर गोइंग बैक, उसके बाद से वो लोग सहारनपुर की तरफ आए और सहारनपुर में जबीता खान के इलाकों को उन्होंने प्लेंडर करना शुरू किया और उसमें से एक बड़ा हिस्सा घुड़सवारों का जिनको वापस पौंटा साहब जाना था, वो शिवालिक क्रॉस करके सहारनपुर रोड से होते हुए सहारनपुर चौक पहुंचे और उन्होंने इस इलाके के आसपास के घरों को मकानों को लूटना शुरू किया। और जो पैसे वाले लोग थे वो सारा अपना माल असबाब लेकर गुरुद्वारे में घुस गए। अब सिख पार्टी थी, वो गुरु राम राय के बारे में जानते थे। गुरु राम राय गुरु गोविंद सिंह के चाचा हुए, तो उन फौजियों ने ये तय किया कि हम लूट के लिए गुरुद्वारे के अंदर नहीं जाएंगे। तो वो बिना लूटे हुए वापस पौंटा साहब की तरफ चले गए। इट वॉज अ सेकेंड अटैक। देन थर्ड, अब गुलाम कादिर हुआ पोता नजीबुद्दौला का। उसके दिमाग में भी आई कि भाई मेरे दादा की
कि सल्तनत यहाँ तक रही है, मेरे दादा की जमींदारी यहाँ तक रही है, तो क्यों ना मैं भी एक बार कोशिश करूँ देहरादून को, इस घाटी को दोबारा से अनेक्स करने के लिए। तो वो तीसरा अटैक आता है हरिद्वार की तरफ से, क्योंकि नजीबाबाद का इलाका, रोहेलो का इलाका जिसे हम कहते हैं, वो फिर से इनकी तरफ जो है साथ शामिल होके फिर वो गुरुद्वारा आते हैं। और कहाँ से आते हैं? सारंगपुर चौक वॉज अ सच अ क्रॉस रोड जो कि ये सब कार्नेज को विटनेस करते रहा। हाँ, और अब लगातार शहर का हिस्सा गुरु राम राय दरबार के इर्द गिर्द बड़ा होता जा रहा है, और लंढौरा से, जगाधरी से, लाडवे से बहुत सारे मारवाड़ी बनिए व्यापारी भी यहाँ पर आने लगे हैं, क्योंकि साल दर साल यहाँ पर पिलग्रिम्स की संख्या, गुरु राम राय को मानने वाले, और चूंकि ये एक सेंटर फोकल पॉइंट जो है क्रॉस रोड बन गया है, तो यहाँ पर खरीदारी करने वाले भी धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो उसकी वजह से व्यापार बढ़ने लगा और दुकानदारियाँ यहाँ खुलने लगी। तो गुलाम कादिर को पता चलता है, को लगता है कि इस इलाके को फिर से एनेक्स किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर हो गए टीरी के राजा। तो गुलाम कादिर अपने एक सिपासलार राजा मुनियार सिंह के साथ देहरादून घाटी में फिर घुसाता है, और गुलाम कादिर के बारे में ये कहा गया कि उसकी वजह से उसने गुरु राम राय दरबार को बहुत नुकसान पहुंचाया। वो गुरु राम राय की जो शैया है, एंड दे यूज्ड टू कॉल हिम मैडमैन ऑफ नजीबाबाद, नजीबाबाद का पागल गुरु राम कादिर को बोला जाता है इतिहास में अगर आप पढ़ें। और वो जाके उनके जो शैया है गुरु राम राय की, जिसमें उनकी आखिरी दिन गुजरे, और जिनको अभी भी उनके मुसोलियम में रखा गया है कि कभी भी गुरु राम राय आएँ और वहाँ आराम कर सकें, उसके ऊपर जाकर वो लेट गया। उसने उस गर्भगृह को भी जानवरों के खून से डिस्क्रिएट किया, उसको जिसे कहते हैं कि खराब किया, अपवित्र किया। खैर, गुलाम कादिर भी बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया, और यहाँ पर फिर से पीरी के राजा का शासन कायम हो गया और ज़िंदगी बदस्तूर चलने लगी। इतने में एक और कैटास्ट्रॉफी होती है, एक पुराना झगड़ा टीरी कुमाऊं का और गोरखों का शुरू हो गया। प्रद्युमन शाह राजा थे, बड़ी मुश्किल से जान बचाई, और गोरखों से कहा 25,000 रुपया सालाना ले लो और हमें बख्श दो। लेकिन थापा पार्टी काठमांडू में इतनी पावरफुल हो गई कि जो वहां का इलीट वर्ग था, जो वहां के अभिजात्य रजवाड़े थे, उन्होंने थापा पार्टी को बाकी के कालीपार के जो इलाके थे सतलुज नदी तक, वहाँ तक जो है कंपेन करने के लिए खुला छोड़ दिया। थापा पार्टी श्रीनगर पहुँच जाती है, और श्रीनगर से राजा जो हैं वहाँ से भाग जाते हैं, बाड़ाहाट पहुँचते हैं, बाड़ाहाट में भी उनका गोरखे पीछा करते हैं, बाड़ाहाट पहुँच के वो देहरादून आ जाते हैं। दून घाटी में उनका हेडक्वार्टर यही गुरु राम राय दरबार के इर्द गिर्द होता है, और यहाँ से जब वो फिर से भगाए जाते हैं तो यहाँ से भाग के वो सहारनपुर पहुँच जाते हैं। सहारनपुर में उनके सहयोगी हैं, राजा हैं, राजा रामदयाल लढौरा के, उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं साहब कुछ मदद कर दो, तो उनका मदद कर दी जाएगी। तो 1.5 लाख रुपये के ज्वेलरी और 50,000 रुपये में बद्रीनाथ जी की प्लेट वो वहाँ पर गिरवी रखते हैं, और 12,000 राजपूतों के, गुजरों के, पुंडीरों की एक फौज तैयार करते हैं, और उस फौज को लेकर देहरादून आ जाते हैं। यहाँ पर टीरी राजा ने बहुत सारे, उससे पहले, इस लड़ाई से पहले, इस घाटी में 500 जमींदारियाँ थी, 500 पूरे ऋषिकेश से लेकर और यमुना तक 500 जमींदारियाँ थी, और प्रमुख जो लड़ाकू जातियाँ थी उनको वो जमींदारियाँ थी। अब जैसे कामली है,
कामली गांव के पुंडीर हैं, देवर ओल्ड। और ये पुंडीर जो है राणा पुंडीर हैं, जो कि लंडौरा के आए हुए हैं। उनको जिम्मेदारियां थी, दलेल सिंह मियां को जिम्मेदारियां थी, और डालन वाला का जमींदार अलग से था। तो ये लोग भी इकट्ठे हुए और सबने मिलके एक रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर आप देखिए गुरुद्वारे के इर्द गिर्द कैंप लग गया, और जरूर है कि कोई कैंप यहाँ भी होगा। 12,000 लोग राजा के साथ में, और 12,000 लोगों को सपोर्ट करने के लिए 8-10,000 और होंगे, तो 20,000 लोग इस इलाके में। खुड़बड़े की लड़ाई कहा जाता है, 13 दिन तक वो लड़ाई चलती रही गोरखों के साथ। देवर 4,000 गोरखास, देवर 12,000 ये रैग टैग आर्मी। ये आर्मी बहुत ट्रेन नहीं थी, जो रैग टैग आर्मी लड़ने वाले चल दिए सब। और राजा ने गुरु राम राय दरबार से थोड़ी ही दूर अपना कैंप लगाया हुआ था। एंड वन मॉर्निंग जनवरी में वो अपने टेंट के बाहर आकर प्रद्युम्न शाह वो मियां दुलेल सिंह के साथ कुछ बात कर रहे थे, तो किसी गोरखे ने, कोई स्नाइपर गोरखा रहा होगा, इसको आज की तारीख में हम स्नाइपर ही बोलते हैं, उसने कहीं से निशाना ले लिया और प्रद्युम्न शाह को वहीं गोली मार दी। विद द डेथ ऑफ प्रद्युम्न शाह फौज सारी तितर बितर हो गई, सब अपने अपने इलाकों में भाग गए। सुदर्शन शाह उनके बड़े बेटे वो ज्वालापुर भाग गए, उनके भाई प्रीतम शाह उनको गोरखों ने पकड़ लिया और नेपाल भेज दिया, और उनके एक और भाई सुदर्शन शाह के वो राजा हिंदौर के यहाँ चले गए, और उसके बाद से यहाँ पर गोरखों का शासन शुरू हो गया। और अब गोरखों का शासन 9 साल तक चलने वाला है। ये पूरा का पूरा रोड, इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ गोरखास। और गोरखों ने 1806 में डाट वाला जो उनका उनका जो बाउंड्री थी वहाँ पर सोमनाथ गोसाई को कहा कि यहाँ पर माता का मंदिर बना लो। सोमनाथ गोसाई ने डाट वाली माता का मंदिर बनाया, और आज भी उनके वंशज, सोमनाथ गोसाई के वंशज ही वहाँ के महंत हैं। हाँ, लेकिन उसी के साथ में एक छोटा मंदिर और है, उसके ऊपर रुड़की इधर कलसिया के पास की एक छोटी सी प्रिंसिपैलिटी है, उसके महंत का भी दावा लगातार बना रहा है। तो गोरखों ने वहाँ पर अपना एक आर्मी की एक अपनी वहाँ वो बिठा दी, चौकी बना दी, और वहाँ से वो सब किराया और वो सब ऑक्ट्रॉय वगैरह सब वसूल करने लगे। तो जो भी कॉमर्स होता था वो इसी इलाके से होता। अब आप जानिए, दो बड़ी डेयरी देहरादून की, एक ये वाली और एक कामली रोड में परदेसी डेयरी। देहरादून में दो तरीके से दूध आता था, तीन तरीके से एक्चुअली। पहला इन दो बड़ी डेयरियों से, दूसरा जो गुजर रहते हैं इस पूरे शिवालिक संभाग में, जो मोहन का इलाका है उनके यहाँ से आता था, उनके यहाँ से अभी भी आता है। कामली रोड में एक रवेल है दूध वाला, उसके यहाँ आज भी जो है यही वाला दूध आता है, गुजरों वाला। और एक एक दूध वाले आते थे जो पहाड़ के, हाँ, जो लकड़ी के बर्तनों में दूध लेके आते थे और घर घर सप्लाई करते थे। देवर ओनली 3 वेज ऑफ, ठीक है। देहरादून में 4 धर्मशालाएं थी, उसमें से कोई भी धर्मशाला राजपुर रोड पे नहीं है। चारों धर्मशालाएं इसी इलाके में, शिवाजी धर्मशाला, अग्रवाल धर्मशाला, जैन धर्मशाला, कालूमल धर्मशाला, बिकॉज दिस वॉज द हब। शहर इससे आगे था ही नहीं। कावली रोड पे जो बिंदाल का पुल है उसके आगे कुछ नहीं था, महारानी बाग था, जंगल था, और हमें जाना अलाउड नहीं था। राजपुर रोड पे भी कुछ और नहीं था। तो दिस एरिया आड़त बाजार यहाँ, क्योंकि जिसने भी आना अपना अपना सामान बेचने के लिए, अपना अनाज बेचने के लिए, उसने यहीं आना, आड़त बाजार भी यहीं था। तो दिस पार्ट वॉज द हब। और जब हब होता है तो वो जो पूरी वाइब्रेंसी होती है
हिंदुस्तान में ठग भी होते थे वो सब यहाँ होते थे, नशा भी होता था, शराब बेचने वाले, पीछे लक्खी बाग है, लक्खी बाग में कलालों का मोहल्ला था, कलाल आर वालियर्स, जसवाल जो कि ट्रेडिशनली शराब का धंधा करते हैं, उनके दो बड़े गांव हैं देहरादून में, एक बदरीपुर और एक सेमला खुर्द, ये सब शराब के धंधे करने वाले खूब यहाँ पर ये सब। और देहरादून का अगर आप फिस्कल मैनेजमेंट देखें पुरानी किताबों में तो सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू जो है वो आबकारी से आता था, शराब से आता था और भांग से आता था। सो इट वॉज रैम्पेंट हियर। तो ये एक छोटा सा व्यू हुआ ऑन द हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव ऑफ सहारनपुर चौक। अब हम यहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ चलेंगे, बीच में बातें करते हुए अब पहुँचेंगे शिवाजी धर्मशाला।